जय हिंद जय भारत साथियों, मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों आज हम बात करेंगे एक UHQ एनरोलमेंट के बारे में और ये भर्ती निकल कर आई है MEG सेंटर बेंगलोर से। साथियों ये जो भर्ती है 23 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है और ये भर्ती UHQ एनरोलमेंट है। यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है। यहाँ पर रिलेशन के और गेम के बच्चे जा सकते हैं। ये भर्ती जो है सोल्जर GD और सोल्जर टेक्निकल ट्रेड में की जाएगी। ये भर्ती जो गेम के बच्चे हैं वो ओनली सोल्जर GD में भर्ती देख सकते हैं। साथियों आपको बता दें गेम की भर्ती देखने के लिए जो शर्तें आपको पहले भी बता दी जा चुकी है हमारे वीडियो में, आज भी बता देते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, 17.5 से 21 साल उम्र होनी चाहिए, कोई भी गेम का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल का। ये गेम की शर्तें हैं, उसके लिए ट्रायल होती है साथियों। और जो GD की और उसके लिए रिलेशन होना चाहिए, टेक्निकल के लिए +2 पास होना चाहिए और +2 के अंदर जो है आपको बता दें PCM साइंस साइड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अब आपको बता देते हैं यहाँ पर 3 ही ट्रेड की भर्ती है, गेम की है, सोल्जर GD की है और टेक्निकल की भर्ती है। ये जो भर्ती है 23 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है। यहाँ पर जो भी बच्चे गेम की ट्रायल देना चाहते हैं वो 17 फरवरी 2022 को बेंगलोर जो MEG सेंटर में पहुंच जाएं। यहाँ पर ये बता रखा है कि ट्रायल होगी पहले, वो 23 फरवरी को जो भर्ती में शामिल हो सकते हैं उसको, उसके लिए आपको जो भी गेम आपका जो पार्टिकुलर गेम है उसकी ट्रायल होगी। आपको बता दें जिस भी गेम का आपके पास सर्टिफिकेट है। यहाँ पर सोल्जर GD और टेक्निकल के लिए आपको बताया गया रिलेशन होना चाहिए। UHQ एनरोलमेंट भर्ती है यहाँ पर। और ये जो भर्ती है फर्स्ट दिन जो शुरू होगी ये 23 फरवरी को शुरू हो रही है, 23 फरवरी 2022 को। पहले दिन जो है सोल्जर GD और सोल्जर टेक्निकल के लिए, उसमें ऑल इंडिया ऑल कास्ट AIC के लिए भर्ती है सभी स्टेट के, जो कि उसमें ऑल इंडिया और यूटी यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरीज हैं जो भारत के गए उनके सभी के, जो वार्ड्स ऑफ MEG हैं जो MEG से रिलेशन रखते हैं उनके लिए सबसे पहले भर्ती की जाएगी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप के अंदर जो बता रखे है इसमें ऑल कास्ट साउथ जोन की, जो साउथ जोन की ऑल कास्ट है उनके लिए भर्ती होगी। वो कौन कौन सी स्टेट हैं वो बता रखे हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, गोवा है, यूटीज जैसे पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। और ये जो साउथ जोन के जो बच्चे हैं रिलेशन के, ये किसी भी कोर के या किसी के भी हो सकते हैं, कोई भी रेजिमेंट के जो साउथ जोन के बच्चे हैं। बाकी बच्चों के लिए आपको बताया गया MEG सेंटर के होने चाहिए यहाँ पर GD के लिए। ये दो ही ट्रेड की भर्ती यहाँ पर की जा रही है। इसमें जो दूसरी उसके भी स्टेट के बच्चे हैं जो साउथ जोन के हैं वो टेक्निकल सिर्फ देख सकते हैं और GD से ही भर्ती देख सकते हैं। हाँ गेम का जो है वो ऑल इंडिया कास्ट है, ऑल इंडिया ओपन कास्ट है, कोई भी भारत का किसी भी राज्य का, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र शासित प्रदेश का, गेम का बच्चा हो सोल्जर GD में भर्ती देख सकता है यहाँ पर जाकर के। उसके लिए आपको शर्तें हमने पहले बताई दी हैं। अब ये भर्ती 23 फरवरी से शुरू होगी, गेम की ट्रायल 17 फरवरी 2022 से शुरू होंगी। और जो इसके लिए एज कट ऑफ है सोल्जर GD के लिए 17.5 से 21 साल उम्र है और 1 अक्टूबर 2000 पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इसमें अक्टूबर कट ऑफ ली गई है, 1 अक्टूबर 2000 से पहले का नहीं हो और 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं हो GD के लिए। जो सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल उम्र है और 1 अक्टूबर 1998 से पहले का नहीं हो जन्म और 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं हो। यहाँ पर इसके लिए आपको बता दी एज कट ऑफ है और सोल्जर GD सोल्जर टेक्निकल गेम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ये भर्ती निकल कर सामने आई है। जो भी भर्ती में जा रहे हैं मेरे भाई तो हमसे संपर्क में रहें, हम उनको पल पल की जानकारी अवगत कराते रहेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, भर्तियां खुलनी शुरू हो गई हैं आप लोगों की। और अभी जो बच्चों की पहले भर्तियां हुई थी उनके लिए खुशखबरी आ गई है, 14 फरवरी 2022 से आर्मी के सभी पोर्टल खुल जाएंगे। जैसे किसी की पेंशन रोक रखी थी, कोई PME मेडिकल रोक रखे थे, वो सभी स्टार्ट हो जाएंगे 14 फरवरी 2022 से।
तो सभी के लिए खुशखबरी है। अब जल्दी ही आपका मार्च में टेस्ट हो सकता है, जो भर्तियां पहले हुई थी। एक एक साल सवा सवा साल हो गया है जो लड़कों ने भर्तियां देखी थी जिनका टेस्ट नहीं हुआ था, तो अभी जल्दी ही आपके टेस्ट हो जाएंगे। अभी माँ अपनी तैयारी रखें, ये आखिरी समय है। जो अभी एज कट ऑफ के लिए जो मांग की जा रही है एज में टाइम वो मिलना चाहिए रिलैक्सेशन, तो अभी तक कुछ नहीं ऐसा इस प्रकार का। और आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी सभी आर्मी की, और ओपन रैलियां शुरू हो जाएंगी। साथियों अपनी तैयारी रखें, एकदम भर्ती आएंगी। लगभग आपको बता दें कि मार्च में आपका टेस्ट हो सकता है और अप्रैल के बाद तक सभी भर्तियां ओपन रैलियां शुरू हो सकती हैं। तो अपनी तैयारी रखें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।